हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गोल गले पर डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए, ये मैंने गोल गला का ब्लाउज़ लिया हुआ है, तो मैंने पहले इसको गोल गला बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं आपको डिज़ाइन डालना बताऊंगी कि डिज़ाइन हमें कैसे डालनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। और फ्रेंड, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अब मैं बताती हूँ। देखिए, मैंने ये जो गला है बिना पाइपिंग वगैरह के बनाया हुआ है। अगर आपने ये नहीं देखी हो वीडियो तो आप देख लेना, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप ज़रूर देखना। तो इसको बिना पट्टी के, बिना पाइपिंग के, ये सिंपली हमने सिला हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। और देखिए कितनी सफाई से आया हुआ है, बिल्कुल भी गला नहीं फैल रहा है। आप देख सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे शोल्डर नहीं गिर रहा है। देखिए, एकदम सेट होके ये बैठ रहा है। तो आप, अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो। और ये देखिए, मैंने इसके लिए फ्रिल बनाई हुई है, तो मैंने आपको फ्रिल बनाना भी बताया है और बाजू पर लगाना भी बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखी हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन नीचे होता है अगर आपको पता नहीं हो तो। तो अब मैं इससे आपको फ्रिल से डिज़ाइन डालना बताऊंगी ब्लाउज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल गले पर देखिए कितना लुक आता है इस फ्रिल से। तो देखिए, सिंपली हमें, अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, वैसे कुछ नहीं है। आपको सिंपली ऐसे, मतलब ये मैं बता देती हूँ आपको फिर भी, ये मैंने 3 इंच करीब की पट्टी ली हुई थी चौड़ी, और उसे डबल फोल्ड करके उस पर एक सिलाई लगा ली, और फिर उस पूरे कपड़े को जो डोरी जैसे पलटते हैं उससे पलट कर और ऐसे फ्रिल बना ली है मैंने। तो इसी तरीके से आपको बना लेनी है। और देखिए, अब मैं आपको लगाना बताती हूँ। तो हमें देखिए ऐसे लगानी है, ये कपड़ा भी नीचे, जो कपड़ा है ये नीचे आ जाना चाहिए हल्का सा, और इसके ऊपर से मैं, तो देखिए ये जो हमारा असल वाला कपड़ा है यहाँ से मैं लगाऊंगी, और ऐसे करके हमें, देखिए ऐसे करके यहाँ पर रखना है इसको। तो देखिए, अब मैं इसका सिलाई लगाती हूँ। तो हमें ये बीच में जो सिलाई है हमारी वहीं पर लगानी है, ऐसे सेट करते हुए हमें रखना है। इसका ध्यान रखना है कि इधर उधर ना जाए ये कपड़ा। तो और हमें ये गले के हिसाब से ही फोल्ड, मतलब ये राउंड शेप देते जाना है इसको, फ्रिल को। और जो हमारी सिलाई है उसे हमें फुल पर कर लेना है ताकि इसमें चुन्नट वगैरह अच्छे से डल सकें। तो हमें देखिए गले के हिसाब से हमें ऐसे ऐसे करके घुमाते जाना है, जिधर हमारा गला जाता जाए उधर ही हमें घुमाना है ऐसे। तो थोड़ा सा मैं पास से आपको दिखाती हूँ। Thank you.
तो देखिए ये हमारी फ्रिल पूरी लग चुकी है और मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से। तो देखिए कितना इसी से कितना लुक आ रहा है अच्छा, और कितने अच्छे से ये सेट हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये सीरियल में। तो अब देखिए मैं यहाँ पर भी एक फ्रिल जो कमर है हमारी यहाँ पर भी एक डाल दूँगी मैं, तो उससे पहले मैं यहाँ पर टक्स लगा लेती हूँ ताकि हमारी टक्स में सेटिंग आ जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मैं टक्स लगा के आपको दिखाती हूँ अभी दोनों तरफ, ये हमें दो टक्स लगाने होते हैं पीछे की साइड में। तो देखिए मैंने ये दोनों टक्स जो है लगा लिए हैं यहाँ से, अब मैं इसका फ्रिल लगा दूँगी पीछे की साइड में भी जो हमारा कमर वाला हिस्सा है। तो देखिए कमर पर भी हमें ऐसे ही लगानी है यहाँ पर बीच में। तो इस फ्रिल से आप कुछ भी साड़ी का बॉर्डर बना सकते हो या सूट पर डिजाइन डाल सकते हो, किसी भी चीज़ पर आप डिजाइन डाल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनती है ऐसे। तो फ्रिल आपने अगर बनाना नहीं आता हो आप पर तो आप ज़रूर देखना वीडियो को, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए मैंने ये पूरी फ्रिल लगा ली है इस पर। वो कितनी आसानी से बन गई है ये डिजाइन देख सकते हो आप, लेकिन फ्रिल में थोड़ा सा टाइम लगता है। और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये गला बनने के बाद में हमारा। तो अब मैं इसमें अभी डोरी वगैरह लगाऊंगी तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा, क्योंकि ये डोरी वाला गला बनाना है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये डिजाइन बनने के बाद में, आप देख देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही है, आप भी देख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।